चलिए अब आपको दिखाते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई हमारी स्पेशल कवरेज, चुनावी मूड माहौल। तो चुनावी मूड माहौल में आज आपको लेकर चलते हैं महाराष्ट्र के कोल्हापुर, जहां पर इस बार दिलचस्प मुकाबला है। यहां से छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज छत्रपति शाहू महाराज चुनावी मैदान में हैं। शाहू महाराज महाविकास अगाड़ी से कांग्रेस के निशाने पर है, चुनावी रण में उतरे हैं। शाहू महाराज से खास बातचीत की है हमारी सहयोगी प्रीति सोमपुरा ने। तो आपने कभी सोचा था कि आप इस तरह से चुनावी मैदान में उतरेंगे? बहुत पहले तो नहीं शायद, पर वी हैव बीन ऑलवेज ऑन द पेरिफेरी ऑफ पॉलिटिक्स। चुनाव मैदान में अपन उतरने का आपने फैसला लिया, तो बहुत सारी पार्टियां ऐसी थी जो आपको टिकट देना चाहती थी, लेकिन आपने कांग्रेस को ही क्यों सिलेक्ट किया? ये तो सब पूछते हैं मुझे, उसका उत्तर नहीं है सिंपल उत्तर कि इट इज़ द ओल्डेस्ट पार्टी, पोलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया, और इंडिपेंडेंस मूवमेंट में उसका बहुत काम किया उन्होंने, मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग अस अचीविंग इंडिपेंडेंस फॉर अस। आपका क्या प्रमुख मुद्दा आपका क्या है चुनाव में, आप किस तरीके से विकास करना चाहते हैं? प्रमुख मुद्दा तो यही है कि वी वॉन्ट टू डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एट ऑल कॉस्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज बींग attacked, I would say, and ekadhikar shahi apne ko nahi chahiye. But in every rally, Prime Minister Narendra Modi is saying that we will not going to change the constitution. I will not comment on that, but then why does one need a majority of 404? चलिए अब बात करते हैं बाजार की। आज अप्रैल एक्सपायरी के दिन लगातार पांचवें दिन बाजार हरे निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 487 अंक चढ़कर 74,339 पर बंद हुआ, वहीं निफ्टी 168 अंक चढ़कर 22,570 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा खरीदारी फार्मा, पीएसई, ऑटो शेयरों में रही, वहीं कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडेक्स गिरावट पर बंद हुआ। तो मार्केट का पूरा हाल अब समझते हैं यतिन से। तो यतिन, आपसे जानना चाहेंगे कि आज किन सेक्टर्स में तेजी और किन सेक्टर्स में सुस्ती दिखाई दी, ओवरऑल एक्शन क्या रहा मार्केट का? कि सीरीज़ की जो पूरी एक्सपायरी है वो बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट होती हुई नज़र पड़ी। शानदार मिड कैप और लार्ज कैप में आपको एक्शन देखने को मिला। लार्ज कैप्स की बात करें निफ्टी गेनर्स की, तो एक्सिस बैंक नतीजों के बाद लगभग 6% का मोमेंटम यहाँ देखने को मिला, और इसी के साथ SBI के काउंटर में भी आपने लगभग 5% की खरीदारी देखी। डॉक्टर रेड्डीज और नेस्ले दोनों ही कंपनियों के बीच में करार हुआ है न्यूट्रिशन फूड को लेके, तो दोनों ही स्टॉक्स में मोमेंटम बना रहा। इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक और RBI की गाज के बाद शेयर में लगभग 11% का जबरदस्त डाउनफॉल। LTI, माइंडट्री, HUL और टाइटन जैसे काउंटर्स में भी हल्की पुल्की बिकवाली आज देखने को मिली। मिड कैप गेनर्स की बात करें तो यहाँ हिताची एनर्जी, गॉडफ्रे फिलिप्स, MCX, जुपिटर वैगन्स और वोडाफोन आइडिया भी आपको मोमेंटम में दिखता हुआ नजर पड़ेगा। लूजिंग साइड पे ग्लेनमार्क लाइफ कमजोर नतीजों के बाद शेयर में लगभग 10% का डाउनटेक। सन फार्मा एडवांस, एस्टर डीएम, मेट्रोपोलिस जैसे काउंटर्स में भी आज बिकवाली हावी रही, लेकिन क्लियरली आज